दोस्तों, झारखंड के बोकारो जिला में दुर्गा पूजा काफी भव्यता के साथ मनाया जाता है। कई जगहों पर थीम बेस्ड दुर्गा पूजा पंडाल बनाए गए हैं, जो कि लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। दुर्गा पूजा के दौरान बोकारो में बोकारो शहर और आसपास के कई क्षेत्रों से लोग घूमने के लिए आते हैं। बोकारो शहर से 10 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर के रेंज में कई तरह के शानदार थीम पर दुर्गा पूजा पंडाल बनाए जाते हैं। पिछले 2 वर्षों से कोरोना के चलते समितियां उतनी भव्यता के साथ दुर्गा पूजा का आयोजन नहीं कर पाई थीं, जैसा कि होना चाहिए। परंतु इस वर्ष समितियों ने निर्णय लिया है कि दुर्गा पूजा का आयोजन काफी भव्यता के साथ किया जाना है। बोकारो के लगभग हर बड़े दुर्गा पूजा पंडाल के आसपास मेले और मीणा बाजार लगाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर आने वाले भक्तों, खासकर बच्चों के बीच आकर्षण का केंद्र रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव आजाब के साथ झारखंड के बोकारो के 3 बेहद ही खूबसूरत दुर्गा पूजा पंडाल थीम के पार्ट 1 वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर करूंगा। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देखने आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 3, सेक्टर 4, मजदूर मैदान दुर्गा पूजा पंडाल। दोस्तों, नंबर 3 पर आने वाले सेक्टर 4 मजदूर मैदान दुर्गा पूजा पंडाल बोकारो में भव्य दुर्गा पूजा आयोजन करने के लिए जाने जाते हैं। यहां पर प्रतिवर्ष कुछ यूनिक थीम पर दुर्गा पूजा पंडाल बनाए जाते हैं। इस वर्ष भी यहां पर कुछ ऐसा ही किया जा रहा है। इस वर्ष यहां पर अयोध्या के श्री राम मंदिर का प्रारूप दुर्गा पूजा पंडाल के रूप में बनाया जा रहा है। इस दुर्गा पूजा पंडाल की दूरी बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन से लगभग 9.5 किलोमीटर की है, जहां तक आप ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा अथवा निजी वाहन से बड़े ही आसानी से पहुंच सकते हैं। दुर्गा पूजा पंडाल को बांस और प्लाई की मदद से काफी शानदार रूप दिया गया है। यहाँ के पंडाल का निर्माण लगभग अंतिम चरण में है। इस दुर्गा पूजा पंडाल के आसपास बहुत ही शानदार मेले लगाए जाते हैं, जिसमें कई तरह के झूले और स्टॉल लगाए जाते हैं। दुर्गा पूजा के दौरान यहां पर बोकारो और इसके आसपास 5 से 6 लाख लोग घूमने के लिए आते हैं। नंबर 2, दुग्धा दुर्गा पूजा पंडाल बोकारो। दोस्तों, नंबर 2 पर आने वाले दुग्धा दुर्गा पूजा पंडाल बोकारो की दूरी बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन से लगभग 19.4 किलोमीटर की है। दोस्तों, इस वर्ष यहां पर बहुत ही खूबसूरत मंदिर रूपी दुर्गा पूजा पंडाल का प्रारूप बनाया जा रहा है, जो कि बांस के स्ट्रक्चर से बनाया गया है। पूजा पंडाल के आसपास कई तरह के स्टॉल्स लगाए जाते हैं, जिसमें खाने पीने की दुकान, कई तरह के झूले आदि शामिल हैं। दोस्तों, यहां पर बनने वाले दुर्गा पूजा पंडाल को देखने बोकारो, चंद्रपुरा, धनबाद और कतरासगढ़ से भी लगभग 7 से 8 लाख लोग दुर्गा पूजा के दौरान आते हैं। इस दुर्गा पूजा समिति ने इस वर्ष काफी धूमधाम से दुर्गा पूजा का आयोजन करने का निर्णय लिया है। यहां पर होने वाले विद्युत की साज सज्जा भी लोगों के मन को मोह लेती है। नंबर 1, सेक्टर 2C दुर्गा पूजा पंडाल। दोस्तों, नंबर 1 पर आने वाले सेक्टर 2C का दुर्गा पूजा पंडाल बोकारो के टॉप दुर्गा पूजा पंडाल की सूची में सबसे टॉप पर है। यहां पर प्रत्येक वर्ष दुर्गा पूजा का आयोजन काफी भव्य रूप से किया जाता है। इस दुर्गा पूजा पंडाल को देखने बोकारो शहर और इसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से लगभग 10 से 12 लाख लोग आते हैं। दोस्तों, इस वर्ष यहां पर वृंदावन के पगला बाबा मंदिर रूपी दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण हुआ है। इस पूजा पंडाल को बनाने में लगभग 10 लाख रुपए का बजट आया है। इस दुर्गा पूजा पंडाल को बनाने की तैयारी लगभग 1 महीने पहले से ही हो रही थी। बांस और प्लाई की मदद से पंडाल का निर्माण किया गया है। फिलहाल स्ट्रक्चर पर कपड़े का काम हो रहा है और ये पंडाल लगभग अंतिम चरण में है। इस दुर्गा पूजा पंडाल के पास में काफी भव्य मेला का आयोजन किया जाता है, जिसमें झूले, खाने पीने के स्टॉल और खिलौनों आदि के दुकान लगाए जाते हैं।
दोस्तों इस दुर्गा पूजा पंडाल के आसपास समिति ने कई वॉलंटियर को रखने का निर्णय लिया है, क्योंकि इस दुर्गा पूजा पंडाल में लोगों की काफ़ी भीड़ उमड़ती है, खासकर नौमी और दसवीं को। दोस्तों इस दुर्गा पूजा पंडाल की दूरी बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन से लगभग 8.4 किलोमीटर की है, जहां तक आप ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा आदि से पहुंच सकते हैं। दोस्तों अगर आप कम भीड़ में यहां पर दुर्गा पूजा पंडाल घूमना चाहते हैं तो आप दिन में ही माता रानी के दर्शन कर लें, और अगर आप रात के नज़ारे देखना चाहते हैं तो आप मिडनाइट में अपने निजी वाहन से यहां पर घूमने के लिए आ सकते हैं। तो दोस्तों ये थे बोकारो के 3 बेहतरीन थीम पर बनने वाले दुर्गा पूजा पंडाल। इसके अलावा भी बोकारो में कई जगह पर शानदार दुर्गा पूजा थीम्स पर दुर्गा पूजा पंडाल बनाए जाते हैं, जिसके बारे में मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। तो आप इस बार बोकारो में दुर्गा पूजा घूमने के लिए कहां पर जा रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देखने आए हैं और आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें, और अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे YouTube चैनल संजीव मिश्रा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उस चैनल पर भी आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों अगली वीडियो आप किस शहर या किस जगह की देखना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए और इतनी तत्परता के साथ हमारा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।